नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, रोज घर में किया गया ये काम बनाए रखता है धन संपत्ति और खुशियाँ। जो लोग भगवान को सगुण रूप में पूजते हैं वह उन्हें अपने घर में उसी तरह रखते हैं जैसे वह स्वयं रहते हैं। अधिकतर लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ ही ये संपन्न हो सकता है। घर में लड्डू गोपाल यानी बाल गोपाल को विराजित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बैठी मुद्रा में रखना शुभ होता है। श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप खड़ी मुद्रा में भी रखा जा सकता है। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करें। बाल कृष्ण की मक्खन खाती तस्वीर डाइनिंग रूम में लगाना बहुत लाभकारी होता है। संतान प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल का चित्र बेडरूम में ईस्ट या वेस्ट दिशा में लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का स्वरूप घर में स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि उनकी पीठ दिखाई न दें। स्वरूप को या तो कपड़े से ढक दें अथवा दीवार के साथ लगा दें। वैसे तो मंदिर में केवल एक ही भगवान का स्वरूप स्थापित होना चाहिए। एक निष्ठ होकर की गई भक्ति ही उत्तम फल देती है। आमतौर पर घर में बहुत सारे देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। वास्तु के अनुसार एक भगवान के दो स्वरूप आसपास या आमने सामने रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है कि जो भक्त प्यार से उन्हें फूल फल अगरबत्ती दिया अन्न जल आदि अर्पित करता है, जैसे आपने भोजन बनाया बिना प्याज या लहसुन का बनाना है और भगवान को भोग लगाया तो बहुत खुश होते हैं। और बहुत ही सच्चा भोजन होना चाहिए और उनके सामने जल रखिए, उनके सामने फूल माला लगाइए और दिया जलाइए, देखिए भगवान कहेंगे सच में आने लगेंगे एक दिन आपका खाना खाने भोग लगाने के लिए। सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। भक्त मानते हैं कि बाल गोपाल को प्रेम से जो भोग अर्पित किया जाता है उसे श्री कृष्ण अवश्य ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी भोज पदार्थ को ग्रहण करने से पूर्व भगवान को अर्पित करना बहुत जरूरी है, फिर स्वयं ग्रहण करें। कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जो भगवान को भोग न लगाई गई हो। माखन मिश्री का प्रतिदिन भोग लगाएं। स्वयं ना हो तो बाजार से कोई भी दूध से बनी मिठाई अथवा सूखे मेवों का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं जिस घर में भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है वहाँ देवी देव अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी सदा विराजती हैं। उस घर में बरकत और धन संपत्ति हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूँगी।